हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप लोग देख सकते हो फाइनली आज यानी 22 फरवरी को आप लोग का ये पेपर हो गया है हिंदी का, और देख सकते हो स्क्रीन पे ये 801 HG कोड का मेरे पास ये पेपर किसी लड़के ने भेजा हुआ है। ठीक है, चलो इसका पूरा का पूरा हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आपका ये पेपर कैसा आया हुआ है, और बाकी आपका कौन सा कोड का पेपर आया हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ ही आपको स्क्रीन पे जो मेरा नंबर दिख रहा है इस पे आप अपना पेपर अच्छे से PDF बनाकर भेज देना, जिसका मैं अच्छे से एनालिसिस करा सकूं, उसका सोल्यूशन करा सकूं। ठीक है, और अगर आपको PDF नहीं बनाने आता है तो अच्छे से आप फोटो भी खींच कर भेज सकते हो। ठीक है, चलो पूरे पेपर का भेजना, एक एक जो पेज है उसका। ठीक है, चलो पूरा का पूरा इस पेपर का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कैसा ये पेपर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको थोड़ा देखते हैं। देखो ये आपके सबसे पहले OMR बेस्ड आप देख सकते हो, ये वैदेही वनवास भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय। ठीक है, हालांकि इसमें हम लोग सोल्यूशन नहीं करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ये देखो छत्रसाल दशक मैंने बताया हुआ था। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो नीड का निर्माण, फिर मैंने कितनी बार बताया हूँ नीड का निर्माण, फिर आत्मकथा विदा की रचना है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, और इसके साथ मैंने बताया था कि क्या भूलू क्या याद करूं, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, और देखना वो भी किसी ना किसी पेपर सेट में आया होगा। ठीक, उसके अलावा देखो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो ये परीक्षा गुरु कितनी बार मैं बता चुका हूँ, बाण भट्ट की आत्मकथा मैंने वो हिंदी गद्य का मतलब बताया हुआ था, रचनाओं संबंधी विधाओं संबंधित प्रश्न, तो उसमें मैंने ये लिखा था और बताया था कि बाण भट्ट की जो ये आत्मकथा है ना, ये उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पे आत्मकथा देखकर आप आत्मकथा अगर ऑप्शन में दे तो ये क्लिक मत करना, लेकिन इसके रचनाकार का नाम पूछा है यहाँ पे, तो रचनाकार भी वहां पर मैंने बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। देख सकते ये सब क्वेश्चन फंसा हुआ है यहाँ पे। देख सकते हो सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती, कितनी बार मैं सोरठा और रोला के बारे में आपको बता चुका हूं यार। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ भाव अच्छे में किसकी प्रधानता होती है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, अविकारी पद को किस नाम से जाना जाता है, मैंने ये कराया हुआ है। ठीक है, अव्यय पद के नाम से जाना जाता है अविकारी पद जो होता है, जो नया टॉपिक जुड़ा है विकारी और अविकारी, उसमें जो अविकारी पद या अविकारी शब्द है उसको अव्यय पद के भी नाम से ये जाना जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ आपके 20 MCQ इस तरह से पूछे गए थे। ठीक है, अभी एक एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, ये एनालिसिस वाली वीडियो की कैसा आपका पेपर आया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन का अगर आप बाद में कभी वीडियो ये देखो तो सोल्यूशन का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मैं जानता हूं कि 2025 में जो लड़के बोर्ड एग्जाम देंगे वो भी अधिकांशतः इस वीडियो को देखेंगे, तो इसका सोल्यूशन का पूरा वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो को शूट करने के बाद। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक, यहाँ पे देखो ये मैंने आपका कल ही की परसों ये बताया था, ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, यानी वही बुरी जो संगति होती है, ठीक है, उसका मतलब जो साथ होता है वो खराब होता है, ये मैंने बताया था। ठीक, उसके अलावा देखो यहाँ पे ये वाला ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से ये लिया गया है। ठीक है, मैं कितनी बार आपको बताया था कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में नहीं था लेकिन 2024 में जुड़ा है, तो इससे आपका गद्यांश आएगा, तो यह आया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा नीचे आ जाते हैं, नीचे देखो ये देख सकते हो यहाँ पे ये पद्यांश आप लोग देख सकते हो, और एक यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हो ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर का ये पूछा हुआ है, 2023 में जो पेपर आपका हुआ था ये लक्ष्य बैच में मैंने कराया हुआ था। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर आपका सेम टू सेम पूछा हुआ है। ठीक, उसके अलावा नीचे आ जाता है मेरे भाई, नीचे आ जाते हैं, नीचे आप लोग देख सकते हो ये संस्कृत पद्यांश वाला में वाराणसी वाले से आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ये भारतीय संस्कृति से, ये नीचे वाला जो है ये आपका भारतीय संस्कृति से आया हुआ है। मैंने बताया था कि आप वाराणसी भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीण ये दो जो तीन चैप्टर है ना भाई, उसको अच्छे से आप क्लियर कर लेना, आपके एग्जाम में इन्हीं में से आएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इस संस्कृत का ये जो पद्यांश है इस पेपर सेट में मैंने नहीं बताया था, ये नहीं फंसा है, तो चलो यार माफ करना। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये नहीं फंसा है। चलो उसके बाद देखो ये खंड मतलब यहाँ पे पांचवा ये खंडकाव्य तो मैं बोला था कि आप अपने जिले से संबंधित याद कर लेना। ठीक है, पढ़ लेना, आपके जो भी क्वेश्चन आए वो कर लेना। आगे देखो, आगे आप लोगों का क्या है, देखो यहाँ पे आपका लेखकों और कवियों का जीवन परिचय में मैंने लेखक के बताया था कि जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और रामधारी सिंह दिनकर, इन तीन का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंसेगा और यहाँ पे ये फंसा हुआ है। ठीक, और उसके अलावा मैं यहाँ पे पद्य पाठ में, ठीक है, यानी कवियों के जीवन परिचय में मैं बताया था कि सूरदास जी का, ठीक है, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का, इन तीन लोगों का याद कर लेना और किसी और का आप याद कर लेना, चार कम से कम याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। तो देखो यहाँ आपका सूरदास जी का आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये श्लोक है, तो श्लोक तो आप लिख ही लिए होगे, ये चार प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आसान ही है, कर लिए होगे आप लोग। और उसके अलावा ये देखो आपका ये निबंध, और उसके अलावा ये जो नया आपका टॉपिक जुड़ा है ये पत्र लेखन,
मैंने बताया था, कई सारा पत्र लेखन बताया था, मैंने निबंध लिखकर बताया हुआ था कि इसको लिखने का तरीका आना चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा अपने मन से ही। हालांकि यहाँ जो भी मैं आपका ये पत्र बताया था वो भी यहाँ पे नहीं फंसा है आपके एग्जाम में, लेकिन मैं तरीका पहले से ही कह रहा था कि देखो सेम टू सेम मतलब फंस जाए ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप तरीका जानते हो तो सारी चीजें कर लोगे। तो आशा करता हूं कि ये आप लिख लिए होगे। तो ये था हम लोग का पूरा पेपर, ठीक है, 801 HG वाला, हाँ HG वाला पेपर सेट आप लोग देख सकते हो। ये आपका कौन सा कोड है? HG, ठीक है, 801 HG पेपर सेट। अगर आपके पास इसके अलावा और कोई पेपर सेट है या HG है, HG वाला पेपर सेट ही है, तो आप अच्छे से इसका PDF बनाकर भेज देना, ठीक है, जिससे अगले साल के बच्चों के लिए हेल्प हो सके और साथ ही मैं इसका अच्छे से सोल्यूशन कर अभी डाल सकूँ। इसका पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कर अभी डालूंगा चैनल पे। ये एनालिसिस वीडियो थी कि कैसा पेपर आपका आया है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को मैं एंड करता हूं और इसको अभी यूट्यूब पे डालकर और इसका सोल्यूशन का पूरा मैं वीडियो शूट करता हूं अच्छे से, ठीक है। चलो थैंक यू।